भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं होती है, जहां पर आंगनवाड़ी केंद्र गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां पर कार्यकर्ता द्वारा महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं सहयोग प्रदान किया जाता है। लेकिन हमारे देलोड़ा गाँव में आंगनवाड़ी केंद्र है, लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान नहीं की जाती है। मुझे आंगनवाड़ी से कोई सुविधा नहीं मिली है। मैं लड़की का जन्म होने के बाद मुझे किसी ने बोला कि आंगनवाड़ी से कोई पोषण मिला था, मैंने बोला कि मुझे नहीं मिला। मैं वहाँ पर उन्होंने बोला कि तुम जाकर कहो उनको। मैंने फिर जाकर बोला कि तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे पोषण की थैली। 2 महीने के बाद मैं जाकर वहाँ से पोषण की थैली लेकर आई थी और मुझे स्वास्थ्य संबंधी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। आंगनवाड़ी में तो कोई भी सुविधा नहीं है और सोनोग्राफी के लिए हम खुद सेल्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हैं। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने सोनोग्राफी के लिए आपको कोई जानकारी नहीं दी? कुछ भी नहीं कहा, वो तो आए भी नहीं थे। वो सिर्फ बच्चा होने के बाद डिटेल लेने आए थे कि आपका क्या तारीख थी, बच्चा कब हुआ है। फिर एक बार आई वजन लेके और चले गए, बस काम खत्म। भाई जब प्रेग्नेंट थे उस समय से हमको किसी प्रकार की कोई आंगनवाड़ी वाली महिलाओं ने कोई कार्यकर्ता ने यह नहीं कहा कि यदि आपको सोनोग्राफी करवानी है तो हम आपके साथ चलते हैं, या आपको जानकारी नहीं है तो हम आपको बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जो भी हमने किया वो सेल्फ हमने किया था। मैं चाहता हूँ कि हमारे देलोड़ा गाँव में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र कार्यकर्ता द्वारा समय पर खोला जाए, ताकि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही गर्भवती महिलाओं के लिए योजनाओं को लाभ मिल सके। मैं इसके लिए विकास अधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं, जिनके नंबर 029-53-28-51-22 है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पावन करें ताकि गर्भवती महिलाओं को लाभ दिलाने के लिए कहा जाए। मैं शंभु राज तंवर देलोड़ा से, इंडिया अनाट के लिए।